मैं समीर सैयद और आप देख रहे हैं नजर इंडिया न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सील फाटक के पास में, जहाँ पर श्री सेवालाल चैरिटेबल ट्रस्ट मंडल है और यहीं पर जगदम्बा माँ का मंदिर भी है। बता दें आपको, जिस तरह से देश के अंदर जो है हिंदू मुस्लिम जातिवाद को लेकर के, अजान और हनुमान चालीसा को लेकर के विवाद पैदा हो रहा है, उसी को देखते हुए आज यहाँ पर एक एकता भी नजर आई है हिंदू मुसलमान के बीच में। बता दें आपको कि जो सील फाटा का एरिया है, पूरे गांव वालों का एरिया है और यहाँ पर ज़्यादातर संख्याएं जो है वो हिंदू धर्म के लोगों की है। लेकिन आज यहाँ पर देखा गया कि शिवसेना के जो यहाँ पर कार्यकर्ता हैं स्वप्निल पाउसे, उनकी और उनकी टीम की तरफ से जो है यहाँ पर रमज़ान के महीने में अफ्तारी का प्रोग्राम रखा गया। मैं आपको दिखा दूं कि ये जो रमजान में अफ्तारी का प्रोग्राम जो रखा गया, ये मंदिर आप देख सकते हैं और यही ठीक पास में आप हमें देखिए कि जो है ना किस तरह से अफ्तारी का इंतजाम किया गया है। तो इससे ये साबित होता है कि अभी भी मानवता जिंदा है और जातिवाद को लेकर के जो भड़का रहे हैं वो बहुत ही गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम एकता देखनी है तो वो मुमरा में आकर के देख सकते हैं कि किस तरह से गंगा जमनी तहजीब के साथ में जो है यहाँ पर एक दूसरे को अवतार कराने का प्रोग्राम किया जा रहा है। बाकी यहाँ के कुछ लोगों ने क्या कहा है सुनिए। दादा, जिस तरह से आज जो है पूरे देश का माहौल खराब किया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो है जातिवाद को लेकर के जो है हंगामा किया जा रहा है, वैसे स्थिति में आज एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली है कि जो सिलफाटा पे जगदम्बा माँ का मंदिर है और सेवालाल मंडल है, वहाँ पर आज मुस्लिम समुदाय के लोगों को इफ्तार पार्टी कराई गई। स्वप्निल भाई और आप और आपकी टीम की तरफ से क्या कहेंगे दादा इसको लेकर के, जिस तरह से जातिवाद को का नाम लेकर के लोगों को भड़काने का काम किया जा रहा है। मुमरा में कभी जातिवाद हुआ नहीं और ना कभी होगा। अभी इतने सालों से हम यहाँ पर रह रहे हैं, हमने कभी देखा नहीं कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। जो भी है सब मुमरा के हमारे भाई है और हम लोग सब मुमरा वासी है। और जबकि आपने देखा रहेगा कि जो मंदिर है, मंदिर के प्रांगण में आज इफ्तार पार्टी हुई है और स्वप्निल पाउसे और उसकी पूरी टीम ने यहाँ पर जो आयोजन किया है तो उसका सबको मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ और काबिले तारीफ में अरेंजमेंट किया है। और मुमरा में ऐसा कभी कहीं कुछ भी हो जाए, मुमरा में कभी कुछ नहीं होगा। स्वप्निल भाई क्या कहेंगे, आज आपने इतनी बड़ी इफ्तार पार्टी क्या सोच करके रखा? हमारा भाईचारा बना रहे इसलिए अपन इफ्तार पार्टी, मतलब एक हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने के लिए आज आपने ये रखा है। ओके करीम भाई क्या कहेंगे, आज आप भी यहाँ पे मौजूद हैं और जैसा कि भैया ने बोला, स्वप्निल भाई ने बोला कि आज हम लोगों ने यहाँ पे एक हिंदू मुस्लिम एकता को बरकरार रखने के लिए ये प्रोग्राम किया है, तो आप क्या सुझाव देंगे? मुझे बहुत फख्र है समीर भाई कि मैं ऐसी जगह पर रहता हूँ कि जहाँ पे हिंदू और मुसलमान सब एक जैसे दिखते हैं। माशाल्लाह मुट्ठी भर लोग जो इस देश में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारे इस परिसर में खासतौर से मुमरा हो, उत्तरसी हो, इधर कुछ पता ही नहीं लगता कि हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है। अभी आपने देखा कि मंदिर के परिसर में एक इतने बड़ी इफ्तारी का प्रोग्राम आयोजन किया गया था, माशाल्लाह स्वप्निल पाउसे जिसके अध्यक्ष रहे, मतलब स्वप्निल पाउसे आगे बढ़ करके उन्होंने एक अच्छा काम किया। बाकी तमाम उनकी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूं और मैं चाहता हूं कि हमारी एकता मोहब्बत भाईचारा बना। दो मिनट को ना महाराज का। हाँ महाराज, आप यहाँ मंदिर में कई वर्षों से हैं, यहाँ पे कई साल आपने बिताए और कई तरह के लोगों को देखा होगा, आज के इस प्रोग्राम को लेकर के क्या कहेंगे आप? ये सब भाईचारा बनाने के लिए, ये जो इफ्तार पार्टी रखा है, सब प्यार बढ़ाने के लिए, सब जगह में संदेश जाना चाहिए कि मुस्लिम हिंदू सब एकता के लिए आनंद। ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे जो गलत गलत भाषण देकर के लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं? वो तो समय समय पे देखा जाएगा। मंदिर की पनाह में देखा जाए तो एक दावत इफ्तार बहुत शानदार तरीके से हुई है, जहाँ पे हिंदू मुसलमान दोनों बैठकर ऐसा लोगों ने इफ्तार किया।